देखिए ये टाइट हो जाता है, इस प्रकार से पकड़ लेता है, इसके वजह से ये नहीं निकल रहा था। देखिए हमारा बैग का हिस्सा जो है खुल चुका है इस प्रकार से। अब फ्रंट का हिस्सा खोलने के लिए सामने देखिए, एक इस जगह पे दो स्क्रू, ये तीसरा स्क्रू और एक अंदर की साइड लगा होता है इस नट, देखिए इस होल के अंदर में एक स्क्रू नज़र आ रहा होगा आपको, वो स्क्रू को हमें हल्का लूज़ करना होता है। अब बाइक की जो बाहर बाहर जितना भी स्क्रू है इसको ढीला कर देंगे तो हमारा फ्रंट का भी खुल जाएगा। तो सबसे पहले जो दिख रहा है उसको खोल लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसको खोल लेंगे यहाँ के स्क्रू को। सेकंड में देखिए इस स्क्रू को खोल लेंगे। उसके बाद ये अंदर साइड वाले स्क्रू को हल्का ढीला कर देंगे जो हमने बताया आपको। इसको पूरा खोलना नहीं है आपको, हल्का सा पेच को ढीला करना है। उसके बाद बॉडी में जो लगा हुआ कवर इसको आप ढीला कर लेंगे। नीचे का जितना भी ग्रिप वाला नट है, चार स्क्रू होता है, एक दो तीन और एक चार, तो चार में एक दो तीन को आप खोलेंगे, एक को नहीं भी खोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये जो हमारा है बॉडी में टाइट नहीं होता। बॉडी देख सकते हैं कि इसके ठीक इधर पे है, यहाँ पे बॉडी नहीं है, ये फाइबर में ही सिर्फ टाइट है। इसको आप अलग नहीं भी करते हैं तो चलता है, बट इसको खोलना आपको ज़रूरी है, तभी आपका बॉडी अलग होगा। उसके बाद सबसे मेन है कि आप बिना ये जो हमारा सेलेक्टर बटन है इसको निकाले बगैर आप फ्रंट का नहीं खोल सकते, तो इसको खींचने से इस प्रकार से निकल जाता है। और एक स्क्रू यहाँ पे भी होता है जो इसमें है ही नहीं, देखिए यहाँ पे भी स्क्रू लगा होता है, वो स्क्रू कस्टमर ने लग रहा है अपनी से खोला होगा कभी, तो है नहीं लगा हुआ इसमें। तो देखिए ये हमारा सामने का भी हिस्सा अलग हो चुका है, मशीन जो हमारा सिर्फ अंदर का पार्ट्स बचा है, इसका ढांचा बचा है, बाकी ऊपर का जो भी कवर है हमने अलग कर लिया। इसकी हल्की फुल्की साफ़ सफाई करेंगे और देखेंगे मशीन जाम कहाँ से, और तेल वगैरह डाल के इसकी सर्विस कर देंगे। देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा डस्ट है, तो बिना खोले तो ये संभव नहीं है कि आप सफाई कर पाएंगे। तो जब भी आप बॉडी खोले तो इस प्रकार से इसकी सफाई कर लें हर तरह से, ब्रश की मदद से इसकी सफाई करते हैं। जब भी आपको ऑयल मशीन में डालना हो तो पहले आप उससे सफाई कर लें मशीन की, उसके बाद ही आप ऑयल डालें। जब हमारा मशीन क्लीन होता है तो ऑयल डालते हैं तो बेहतर होता है, उसके साथ कचरा जो हमारा बैठेगा नहीं। और आप सफाई से पहले ही आप ऑयल डाल देंगे तो कचरे के साथ साथ मशीन में तेल जाएगा, तो गंदगी को और भी ज़्यादा पकड़ लेता है। इस मशीन में क्या आपको ऑयल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तेल उसी पॉइंट पर डालना है जिस जगह इसकी ज़रूरत है, और बहुत ही ज़्यादा आपको तेल डालना है, सिर्फ एक एक दो दो बूंद डाल देना है, क्योंकि आप ज़्यादा तेल अगर डालते हैं तो वो तेल धीरे धीरे रिसने लगेगा। और इसका बॉडी जो होता है फाइबर का होता है, साथ ही साथ इसके अंदर मोटर लगा होता है, तो तेल अगर ज़्यादा डालते हैं तो मोटर में भी जा सकता है, साथ ही साथ बॉडी से रिसता हुआ बॉडी का जितना भी कलर है उसको ख़राब कर देगा। इसलिए तेल बहुत ज़्यादा ना डालें, मशीन की साफ सफाई बढ़िया तरीके से करें, और जो भी इसका बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी सफाई लगभग हो चुकी है,
अब इसके मेन जो पॉइंट होते हैं उस जगह पे हम हल्का हल्का ऑयल डालेंगे और मशीन जहाँ से जाम है उसको सही करेंगे। ये हमारा ऑयल है, ये हमने इसके कनेक्टिंग में डाला है, चिमटा के गोली में डाला, इस प्रकार से चिमटे पे डाल दिया, एक गियर वाले में डाल दिया, इसके निडिल रॉड पे। सिर्फ दो दो बूंद डालना है, ज़्यादा नहीं डालना फोर। जिस प्रकार से हम यूज़ कर रहे हैं ऑयल का, उसी प्रकार से आप भी यूज़ करें जब भी आप मशीन को सर्विस करें इस प्रकार के। तो पीछे देखिए इसका गियर होता है, इसमें हल्का ऑयल डाल दें आप, बस इससे ज़्यादा आपको ऑयल नहीं डालना है इसमें। बाकी देखिए हमारा जो मशीन है वो जाम होने का मेन रीज़न देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेड फंसा हुआ है यहाँ पे अंदर ऑरेंज कलर के, इसी की वजह से मशीन जो है पूरा जाम है। काफ़ी थ्रेड फंसा हुआ है यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से एक क्लिप लगा होता है सर्कल टाइप में, इसको अलग कर लेने से ये जो हमारा कुंडी है प्रोसेट ये हल्का इसके बीच में गैप आ जाता है, तो इसका धागा इजीली फिर निकल सकते हैं यहाँ से। इतना धागा भी निकला और भी काफ़ी इसमें धागा फंसा हुआ है। इसके थ्रेड को निकालने के लिए हम ये सामने का जो ये होता है यहाँ पे लगा होता है हमारा, इसको भी हमें निकालना पड़ा है ताकि थ्रेड निकालने में हमें आसानी हो। बहुत हद तक हमारा थ्रेड जो निकल चुका है अभी भी, लेकिन कुछ कुछ ऐसा थ्रेड देखिए हल्का फुल्का बचा हुआ है, इसको भी पूरा निकालेंगे। तो इस जगह पे जितना भी ज़्यादा हमारा थ्रेड फंसा हुआ था हमने पूरा कम्प्लीटली निकाल लिया है, और
मात्र एक जगह से ही मशीन इतना जाम था, बाकी कहीं भी इस मशीन में प्रॉब्लम नहीं था। इसी के वजह से हमारा मशीन पूरा जाम था। देखिए अभी मशीन पूरा बिल्कुल फ्री हो चुका है, इसीलिए देखिए मूव कर रहे हैं। अब एक जगह में इतना ज़्यादा थ्रेड फंसा था कि इसको निकालने में सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट लग गया है सिर्फ थ्रेड को हटाने में। क्योंकि इसमें इस मशीन में क्या है, ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को मोड़ मरोड़ नहीं सकते, ज़्यादा आप कुछ भी करेंगे तो सामान जो टूट जाएगा। ऐसा पार्ट्स मिलने में क्या थोड़ा मुश्किल होता है, पार्ट्स इजीली आपको किसी भी शॉप में मिलेगा नहीं, आपको मंगवाना पड़ता है इसको पर्सनली। इसी वजह से ज़्यादा इसमें हम लोग कुछ करते नहीं है। इसके अंदर इतना ज़्यादा थ्रेड था, कितना टाइम लग गया मैं निकालने में। मशीन अब बिल्कुल सही हो चुका है और इसमें कुछ करना नहीं है। तेल भी हमने डाल दिया मशीन में। अभी जो ये क्लिप को हमने निकाला था, इस क्लिप को इसमें लगा देते हैं इस प्रकार से।